जिंदगी में दुख सबको पटखनी देते हैं, लेकिन असली विजेता वही होता है जो दुखों का डटकर मुकाबला करता है और जीवन में जीत हासिल करता है। कुछ ऐसा ही जज्बा है हमारी नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। चलिए आपको बताते हैं द्रौपदी मुर्मू को निजी जीवन में कितने भयानक दुखों का सामना करना पड़ा और आखिरकार वो कैसे विजेता बनकर उभरी। द्रौपदी मुर्मू को कई व्यक्तिगत त्रासदियों का सामना करना पड़ा। 2009 से 2014 के बीच उन्होंने अपने पति, दो बेटों, मां और भाई को खो दिया। 2009 में उनके एक बेटे की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके करीबियों के मुताबिक 25 साल के उनके बेटे लक्ष्मण मुर्मू अपने दोस्तों के घर पार्टी में गए थे। रात को घर लौटे, सुबह दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा नहीं खुला। सुबह वे अपने बिस्तर में मृत पाए गए। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू के पति श्याम मुर्मू का 2014 में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 2012 में द्रौपदी मुर्मू ने अपने दूसरे बेटे को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया। इन सभी दुखों ने द्रौपदी मुर्मू को तोड़कर रख दिया और वे कई महीनों तक डिप्रेशन में रहीं। इसके बाद वे ब्रह्म कुमारी संस्थान के संपर्क में आईं और उन्होंने अध्यात्म का दामन थामा और ध्यान करना शुरू किया। द्रौपदी मुर्मू बताती हैं कि ध्यान ने उन्हें पहाड़ जैसा दुखों को सहन करने की शक्ति दी। वो बताती हैं कि उनकी आंखों से गंगा जमुना बहती थी, लेकिन वो खुद से कहती थी कि उन्हें जिंदगी जीनी है, आगे बढ़ना है। द्रौपदी मुर्मू बताती हैं कि ब्रह्म कुमारी बहनों ने उन्हें प्यार दिया, खाना खिलाया, गोदी में सुलाया और वो आहिस्ता आहिस्ता डिप्रेशन से बाहर आने लगी। मुर्मू ने राजयोगिनी बनने के लिए कठिन तपस्या की, अपने जीवन और दिनचर्या को बदल दिया। वो ब्रह्म कुमारी बहनों के साथ गांव गांव घूमी और लोगों का जीवन बदलने के लिए प्रयास किया। आज भी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने साथ एक ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी पुस्तिका रखती हैं और नियमित ध्यान करती हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का जीवन हम सभी को ये सीख देता है कि जीवन में कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुझे यानी आरिफ सिद्दीकी को सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।